आपके अपने YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.4 जिसे हम ऐच्छिक प्रश्नावली यहाँ पर कह सकते हैं उसका प्रश्न नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 को हम पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट नंबर 1 को हल करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पढ़ लेते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए कि हमें क्या करना है। सर्वप्रथम हमें इस त्रिघात बहुपद ये जो हमें पॉइंट नंबर 1 में दी है कि 2x की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 माइनस 5x प्लस 2 ये त्रिघात जो बहुपद है उसमें जो दी गई शून्यक है ये वाले जो दिए गए हमें शून्यक हैं वो शून्यक इसी के हैं ये हमें सत्यापित करना है। दूसरी कंडीशन हमें जो शून्यांक अगर ये इसी के हैं तो हमें क्या करना है, अगर सत्यापित हो जाता है कि ये शून्यांक इसी के हैं त्रिघात बहुपद के ही हैं तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। अगर हैं ये शून्यक इसके हैं तब करना है, अगर नहीं है तो हमें आगे शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। हम हल लिखेंगे। सर्वप्रथम हम इस त्रिघात बहु को पद को इसी तरह लिख लेंगे। लिखेंगे x के रूप में है तो बहुपद को हम पी एक्स बोल सकते हैं। पी एक्स बराबर हमें दिया है 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। साथ में हमें ये शून्यक दिए हैं तो हम लिखेंगे शून्यांकों की संख्या या हम कह सकते हैं जिसके शून्यांक मतलब इसके शून्यांक अगर दिए हैं ये दिए हैं शून्यांक तो इसी के होंगे तो हम लिखेंगे जिसके शून्यांक मतलब पी एक्स के शून्यांक जिसके शून्यांक जिसके शून्यांक 1/2 कोमा 1 कोमा माइनस 2 और तथा में अगर हम बात करें तो बहुपद इसके बाद अगर हम बात करें तो ये चीज हमें जो है इस प्रश्न में दी है। कहने का मकसद ये है पी एक्स मतलब त्रिघात बहुपद हमें दिया है ऐसे का ऐसे लिख लेंगे पी एक्स बराबर करके जिसकी शून्यक 1/2 कोमा 1 कोमा माइनस 2 है वो यहां पर दे रखे हैं प्रश्न में ही दे रखे हैं तो हम इसी तरह लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे बहुपद पी एक्स में मतलब ये जो पी एक्स दे रखा है बहुपद इसमें एक्स बराबर पहले 1/2 रख कर देखेंगे तो वही काम करेंगे बहुपद पी एक्स में 1/2 रखने पर तो बहुपद पी एक्स में मतलब इसमें 1/2 रखेंगे तो चलिए हम पी एक्स को लिख लेते हैं। पहले पी एक्स बराबर 2x की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 माइनस 5x प्लस 2। अब इसमें x की जगह हम क्या करेंगे 1/2 रखेंगे तो चलिए 2x की जगह रखेंगे 1/2 और x की घात 3 है तो 1/2 की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x की घात 2 तो यहां 1/2 की घात 2 मतलब x की जगह 1/2 रख रहे हैं माइनस 5 गुणा 1/2 प्लस 2 ऐसे कैसे। अब हम इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं 2 गुणा 1 की घात 3 मतलब 1 की कितनी भी बार गुणा करें 1 ही रहेगा मगर 2 की घात 3 का मतलब 2 दुनी 4 4 दुनी 8 होता है 2 की घात 3 का मतलब 8 प्लस इसी तरह 1 की घात 2 है तो 1 की 2 बार गुणा करेंगे 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर है मतलब 2 की गुणा 2 बार करेंगे तो 2 दुनी 4 आ जाएगा। इसी तरह माइनस 5 की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस 5/2 ऐसी रहेगा और प्लस ये 2 इसी तरह रहेगा तो इस तरह ये आ जाएगा। इसको हम काट सकते हैं अगर नीचे ऊपर की संख्या कट जाती है इस तरह अगर होती है तो इस तरह की नहीं कर सकती कि यहां पर अगर 8 होता तो हम 8 से 8 काट देते प्लस में माइनस में नहीं कटती है केवल गुणा में
बटे के रूप वाली संख्या कट सकती है। तो दो इकन दो और दो चौक आठ, इस तरह ये हमारे प्राप्त हुआ एक बटा चार, एक इकन एक हो जाएगा और चार बटे में ऐसी आ जाएगा, प्लस एक बटा चार ये भी ऐसे ही, माइनस पांच बटा दो प्लस दो। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा चार, क्योंकि यहां पर देखिए सबसे बड़ा जो हर है हमारा वो चार है, और चार चार से भी कट सकता और दो से भी कट जाएगा, इसके नीचे एक मानकर हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। अब चार से चार कटेगा एक बार, एक की गुणा एक में करेंगे एक ही रहेगा, प्लस इस चार से भी ये चार कटेगा एक बार, एक की गुणा एक में करेंगे ये भी एक ऐसी रहेगा, माइनस इस दो से चार कटेगा दो बार और दो की पांच में गुणा करेंगे दस आ जाएगा, प्लस इस एक से चार कटेगा चार बार, उस चार की गुणा दो में करेंगे तो चार दुनी आठ आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये आठ प्लस के और दो ये भी प्लस के, तो आठ और दो ये प्लस के दस हो जाएंगे प्लस के, और माइनस का ये भी दस प्लस का हो जाएगा, और बटे में चार। इस तरह से अब ये दस में से दस घटाएंगे जीरो बचेगा बटे में चार, तो इस तरह से बराबर ये कितना बचेगा हमारा जीरो बचेगा। तो इस तरह से ये हमें पता चला कि अगर इसका देखिए कैलकुलेट करने के बाद एक बटा दो रखने के बाद हमारा ये पी एक्स जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस त्रिघात बहुपद का ये एक बटा दो एक क्या होगा, शून्यक होगा। तो इस तरह से ये हमें एक बटा दो इसका शून्यक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, एक्स बराबर अब एक एक रखेंगे इसी पी एक्स में, पुनः एक्स बराबर एक पी एक्स में रखने पर, ये जो पी एक्स मतलब त्रिघात बहुपद दिया इसमें रखेंगे, ये एक्स बराबर एक रख देंगे तो पी एक्स हमारा है, पी एक्स हमारा दो एक्स की घात तीन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स और प्लस दो। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर अब एक रखेंगे तो दो गुणा एक की घात तीन प्लस एक एक्स की घात दो है तो मतलब एक की घात दो माइनस पांच गुणा एक प्लस दो, इसी तरह लिखेंगे। तो अब देखिए एक की घात अगर हम तीन बार भी करें, मतलब एक की गुणा एक की घात तीन है और एक की गुणा तीन बार भी करें तो एक ही रहेगा, तो दो गुणा वन मतलब एक प्लस एक की घात दो का मतलब एक ही रहेगा, माइनस पांच इकन पांच हो जाएगा और प्लस दो हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, दो की वन में गुणा करेंगे दो ही रहेगा, और प्लस वन ये आपका ऐसे ही, माइनस पांच ये भी ऐसे ही, और प्लस दो ये भी ऐसे का ऐसे ही। अब हम प्लस प्लस वाली संख्याएं जोड़ लेंगे, दो ये है प्लस का, दो ये है प्लस का, तो चार और एक प्लस का ये पांच हो जाएगा, तो पांच माइनस पांच, पांच में से पांच घटाएंगे जीरो आ जाएगा। तो इस तरह एक्स बराबर वन भी इस त्रिघात बहुपद में रखने के बाद हमारा जो है पी एक्स वो क्या आ गया है, जीरो आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स बराबर वन भी इस त्रिघात बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। इसी तरह हम पुनः हम लिखेंगे, पुनः एक्स बराबर माइनस का दो पी एक्स में रखने पर, एक्स बराबर दो पी एक्स मतलब त्रिघात बहुपद में रखने पर, रखने पर तो त्रिघात बहुपद है हमारा पी एक्स बराबर दो एक्स की घात तीन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स और प्लस दो। अब हम क्या करेंगे, इस दो एक्स की घात तीन इस एक्स के जगह पर अब क्या हमें क्या रखना है, माइनस का दो रखना है, तो माइन प्लस का ये दो ऐसे का ऐसे ही गुणा माइनस का दो रखेंगे एक्स की जगह, तो एक्स की घात तीन मतलब एक्स की घात तीन है तो माइनस दो की घात तीन प्लस इस एक्स की घात दो है तो मतलब माइनस का दो की घात दो माइनस पांच गुणा एक्स की जगह रखेंगे माइनस का दो और ये आपका प्लस का दो ऐसे का ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, दो ऐसे ही रहने देंगे, माइनस दो की घात तीन, तो देखिए माइनस दो की घात तीन अगर मैं आपको यहां पर समझाऊं तो देख लीजिए, यहां पर हम रफली समझ लेंगे, माइनस दो की गुणा तीन बार करनी है, मैंने बताया कि जितनी घात होती है इतनी ही बार उस संख्या की गुणा, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, दो दुनी चार और चार दुनी आठ, तो इस तरह से ही माइनस का आठ आ जाता है। तो यहां लिखेंगे माइनस आठ प्लस प्लस ऐसे लिखेंगे। अब देखिए माइनस दो की घात दो, अब यहां देख लीजिए अगर हम
माइनस दो की गुणा माइनस दो से करेंगे मतलब दो बार है स्क्वायर है तो इसका मतलब माइनस दो की गुणा दो बार होगी, माइनस माइनस प्लस और दो दुनी चार, तो ये प्लस का चार ही रहेगा केवल, इसका मतलब ये हुआ केवल चार रहेगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा और पांच दुनी दस और ये प्लस का दो आपका ऐसे ही। अब देखिए इसकी दो की गुणा करेंगे माइनस के आठ में, ये प्लस का दो है ये माइनस का आठ है, तो प्लस का दो जब माइनस का आठ से गुणा करेगा तो पहले चिन्ह की गुणा करते हैं, प्लस माइनस माइनस और दो अट्ठे सोलह। अब इसको देख लीजिए प्लस वाली सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए, चार दस और दो कितना हुआ प्लस का सोलह, ये प्लस का सोलह ये माइनस का सोलह घटाएंगे जीरो। तो इस तरह अगर हम x बराबर माइनस का दो भी इस त्रिघात बहुपद में रखते हैं तो अब ये पी एक्स जो है वो जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर माइनस दो जो है ये भी इस त्रिघात बहुपद का एक क्या है शून्यक है। इसके बाद अगर हम बात करें अगर ये शून्यक है, ये इसके शून्यक है त्रिघात बहुपद के, तो हमें ये बताना है कि इन्हें फिर गुणांकों के बीच, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है, तो वही कार्य हम यहां पर करेंगे। त्रिघात बहुपद के शून्यांकों को सत्यापित करने के बाद हम लिखेंगे अतः शून्यांक, अतः दिए गए शून्यांक, दिए गए शून्यांक हमारे जो दिए गए शून्यांक थे एक बटा दो कोमा एक कोमा माइनस का दो, बहुपद दो एक्स की घात तीन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस दो के हैं, के हैं कि ये जो हमें दिए गए जो शून्यक है इससे ये पता चलता है, क्योंकि अभी हमने सत्यापित किए थे कि ये जो हमें शून्यांक दिए हैं ये इस त्रिघात बहुपद के शून्यांक है, क्योंकि इसको एक बटा दो एक और माइनस दो को जब हमने त्रिघात बहुपद में रखकर हल किया तो ये त्रिघात बहुपद शून्य हो जाती थी, तो इसलिए इससे पता चलता है कि ये जो तीनों शून्यांक हैं ये त्रिघात इस त्रिघात बहुपद के शून्यांक हैं। अब हम लिखेंगे इसलिए माना इन शून्यांकों को मान लेंगे अल्फा बराबर एक बटा दो कोमा बीटा बराबर एक और गामा बराबर माइनस दो। इस तरह से ये हमारे जो शून्यांक है वो है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बराबर एक बटा दो कोमा बीटा बराबर एक कोमा गामा बराबर माइनस दो, तो अल्फा बीटा गामा के मान हमें मिल जाते हैं। हमें जो सत्यापित करना है वो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है, तो मतलब सत्यापित करेंगे इसको तो उसके लिए हमें अल्फा बीटा और गामा के मान चाहिए। अब हम लिखेंगे तब शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल हमारा फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, ये हमने आपको दूसरा चैप्टर हमने जब बहुपद का शुरू किया था तो शुरू में ही ये हमने सारे फॉर्मूला आपको लिखवा दिए हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो सर्वप्रथम वह वीडियो आप देखें तभी ये प्रश्न आपके समझ में आएंगे। तो इस तरह से शून्यांकों का योगफल की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब ये जो शून्यांक दिए हैं इनका योगफल बराबर, और हमें जो त्रिघात बहुपद दिया है उसमें हमें ए बी और सी के मान हमें मिल जाते हैं, हम इसकी तुलना भी कर सकते हैं ए एक्स की घात तीन प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के अकॉर्डिंग, तो ये हमें ए बराबर दो मिलता है, बी बराबर यहां वन होगा अगर कुछ नहीं है तो बी बराबर वन और सी बराबर माइनस पांच और डी बराबर हमें दो मिल जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ए बी सी डी के मान हैं, तो हम यहां रखेंगे माइनस का बी बटा ए, ये आपका ऐसे ही रहने देंगे। अब अल्फा का मान यहां से उठाएंगे
एक बटा दो प्लस बीटा का मान एक है हमारे पास और प्लस गामा का मान माइनस दो है, इसलिए ब्रैकेट में करके रख रहे लिख रहे हैं माइनस बी, माइनस बी, बी का मान हमारे पास एक और माइनस है फॉर्मूले में, वहां पर प्लस है, प्लस का एक है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, बी का मान एक रख देंगे और बटा ए, ए का मान कितना है दो है, यहां से देख लीजिए तो ये माइनस का एक बटा दो हो जाएगा। अब इसका इसको हल कर लेते हैं, एक बटा दो आपका ऐसे ही, प्लस का वन ये भी ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस ये दो रहेगा आपका। अब दो ये माइनस का है मतलब घटा का है और ये प्लस का एक है, तो इसलिए माइनस का कितना बचेगा, ये आपका ऐसे ही चलेगा माइनस का एक बटा दो आपका ये ऐसे ही। इसके बाद देखिए बचेगा आपका एक बटा दो ये वाला आपका ऐसे ही और यहां बचेगा माइनस का एक बराबर एक बटा माइनस का एक बटा दो ये आपका ऐसे ही। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें अगर बात करें इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे वन मान के इसका एलसीएम आ जाएगा दो, दो से दो कटेगा एक बार, एक की गुणा एक में करेंगे एक ही रहेगा, माइनस एक से दो कटेगा दो बार, उस दो की गुणा इस एक के ऊपर ही जो संख्या मतलब एक है एक में ही करेंगे तो दो ही कान दो और इधर आपका माइनस का एक बटा दो ये ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए माइनस का दो है प्लस का एक है तो इसलिए माइनस का एक बचेगा और बटे में ये आपका दो ऐसे का ऐसे ही बराबर इधर भी माइनस का एक बटा दो। तो इससे ये पता चलता है कि अगर दोनों साइडें बराबर हो गई हैं तो इससे ये पता चलता है कि दोनों बातें एक होने से कि ये सत्य है। तो यहां लिखेंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। तो ये बात हमने प्रूव कर दी। इसके बाद हम प्रूव करेंगे, इसके बाद हम प्रूव करेंगे दो शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल, दो शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल। तो दो शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल भी हम निकालेंगे। अल्फा बीटा गामा का मान हमारे पास यहाँ है ही, ए बी सी का मान हम यहां से प्राप्त कर लेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि हम दो शून्यांकों के गुणनफलों का दो दो कर शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है हमारा होता है सी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए मतलब सी बटा ए। अल्फा का मान हमारे पास एक बटा दो है तो एक बटा दो गुणा बीटा का मान हमारे पास एक है प्लस बीटा का मान एक लगा देंगे, गामा का मान हमारे पास माइनस का दो है प्लस गामा का मान माइनस का दो ब्रैकेट में लिख देंगे जिससे गड़बड़ी नहीं हो चिन्ह में, गुणा अल्फा का मान हमारे पास एक बटा दो है, एक बटा दो बराबर सी, सी का मान हमारे पास माइनस का पांच है और ए का मान हमारे पास दो है। अब देखिए एक की एक में गुणा करेंगे एक ही रहेगा, बटे में दो ये आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक दूनी दो हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस का दो गुणा एक बटा दो बराबर माइनस का पांच बटा दो, ये आपका ऐसे कैसे रहेगा। इस दो से ये दो एक बार कट जाएगा, अब ये नहीं कट पाएगा क्योंकि ये माइनस का दो है तो एक बटा दो आपका ऐसे ही, माइनस का दो ये ऐसे ही, माइनस का एक की गुणा जब प्लस के एक में होगा तो माइनस प्लस माइनस एक ही कान एक बराबर माइनस का पांच बटा दो आपका ये ऐसे ही। अब देखिए माइनस के कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे तो एक बटा दो माइनस तीन बराबर माइनस का पांच बटा दो ये आपका ऐसे ही। इसके नीचे वन, इसका एलसीएम दो लेंगे, दो से दो कटेगा एक बार, एक की गुणा एक में करेंगे एक ही रहेगा, माइनस एक से दो कटेगा दो बार और दो की गुणा तीन में करेंगे दो तिया छह हो जाएगा बराबर माइनस का पांच बटा दो आपका ये ऐसे ही। तो इस तरह से ये हमें यहां पर देखिए कि माइनस के छह ये हैं और प्लस का एक ये है तो माइनस का कितना बचेगा पांच और बटे में दो, इधर भी माइनस का पांच बटे में दो। इससे ये पता चलता है देखिए दोनों साइडें बराबर हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि ये भी क्या है सत्य है। तो यहां लिखेंगे जो कि सत्य है। तो इस तरह से ये वाला भी पॉइंट हमारा कि दो शून्यांकों के दो दो कर शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल अगर हम निकालेंगे तो वो भी क्या रहा है सत्य आ रहा है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो यहां पर निकाल सकते हैं, तीसरे पॉइंट में हमें क्या करना है कि इसमें हमें निकालना है कि तीनों शून्यांकों के गुणनफल, तीनों शून्यांकों का गुणनफल। तो हम लिखेंगे
शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल माइनस डी अपोन ए, ये होता है। और शून्यांकों के गुणनफल को लिख सकते हैं अल्फा बीटा और गामा बराबर माइनस डी अपोन ए। अब अल्फा का मान हमारे पास एक बटा दो गुणा बीटा का मान हमारे पास प्लस का एक और गामा का मान हमारे पास माइनस का दो बराबर माइनस डी, डी का मान हमारे पास प्लस का दो और यहां पर माइनस डी है तो इसलिए माइनस का दो ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस और डी का मान दो, ऐसे कैसे ही। ए का मान हमारे पास कितना है यहां से उठा लीजिए, कितना है दो है तो ये इसी तरह रहेगा, दो से दो ये वाला कट जाएगा एक बार, ये इस दो से ये दो कट जाएगा एक बार, यहाँ एक ही का एक और ये एक जो है प्लस का हो गया और ये है माइनस का एक, तो प्लस माइनस माइनस और एक ही का एक, इसी तरह यहाँ क्या बचेगा माइनस का एक। और यहाँ भी देखिए कि दोनों साइडें इक्वल हो गई हैं, मतलब बराबर हो गई हैं, इसका मतलब ये भी क्या है सत्य है, तो लिखेंगे जो कि सत्य है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर एक का पॉइंट नंबर वन हमारा पूर्ण हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन है वह आपको समय से प्राप्त हो सकें। फिर मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।